चले माल निकल। ये हंस क्यों रहा है? अबे दांत क्या दिखा रहा है? मुझ जैसा फकीरी मिला तुझे लूटने के लिए। तेरे को चाकू से डर नहीं लगता? नहीं आ, गले लग जा, आजा आजा। अरे अरे छोड़ पागल है साला, भिखारी टाइम वेस्ट कर दिया। ए तू भगा, जल्दी भगा। गुड, लेकिन ये किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेशन की बात कर रही थी। और आपके बालकेश्वर वाले घर में चैनल वाले ठहरे हुए हैं और आपके कार शोरूम को सेट की तरह यूज कर रहे हैं। और वो ये भी कह रही थी कि एक साल बाद जब शो खत्म होगा तो आपको आपकी सारी चीजें वापस मिल जाएगी। अभी से इतना झूठ बोलती है, आगे जाके क्या करेगी? प्रिंसिपल मैम। आपके परिवार में किसी को मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स किसको नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम के बावजूद काम करते रहना, यही एक सक्सेसफुल बिजनेस की पहचान है। हमारी कंपनी की ग्रोथ एक साल में 50% से ज्यादा हुई है। हमने मार्केट में 400 करोड़ लगाए हुए हैं। एक साल के अंदर हमारे शेयर प्राइसेस 2 नहीं पूरे 3 गुना बढ़ेंगे। आई होप यू अप। तुम कौन हो? ये मेरे कैबिन में क्या कर रही है जॉन? सही कह रहे हैं, मैं समझ गई। एक्सक्यूज मी, या टर्म फीस बाकी है, ट्रांसपोर्ट, बुक्स और बाकी खर्चे मिला के 2 लाख होते हैं। 2 लाख मंथ एंड तक भरनी होगी। मंथ एंड? आप भूल ना जाए इसलिए हम फिर से याद दिला देंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, रकम इतनी बड़ी है कि भूल नहीं पाऊंगा और वक्त इतना कम है कि याद दिलाता रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए। उन्होंने फीस मांगी ना? कितनी? ये रखो। स्कूल बदल दें? नहीं भाभी, जीने का तरीका बदलना होगा। जेब में 200 रुपए नहीं है और तुझे 2 लाख चाहिए? शाबाश, क्या बात है। ऐसे में दोस्त भी फोन उठाना बंद कर देंगे। फोन काट और मुझे चैन से जीने दे। ओए, क्या हुआ, जा क्यों रहा है? मेरी भी कहानी कुछ वैसी है जैसी अभी तू फोन पर सुन रहा था। तुम्हें भी लोन चाहिए? मंथ एंड तक। शांति से बैठकर बात तो कर ले। चल बैठ यार, अब मेरी बात सुन। अगले हफ्ते ऊटी में मुझे एक वेडिंग अरेंज करनी है। थैंक यू। तुझे पूरा अरेंजमेंट देखना है और एक सोलो परफॉर्मेंस देना है। एकदम सिंपल है, वैसे ही जैसे हम लोग कॉलेज में करते थे। तू तो इसमें किलर है यार। बस हो गया? अभी नहीं हुआ है। उसके बाद तुझे शादी में सबसे अच्छे से बात करनी है, मतलब जैसे तू कॉलेज में लड़कियों से बात करता था। बस कर यार। कर दिया, ये ले। ये साला कुछ नहीं बोला। पहले मेहंदी और फिर संगीत। साले शादी में टुन होकर नाचते हैं और 1 से 2 होकर लाइफ की बजा देते हैं। तुझे बस वहाँ रहकर सब मैनेज करना है और कुछ नहीं। लास्ट में वो तुझे 10 लाख का चेक देगा, 5 लाख तेरे और 5 लाख मेरे। ओके। मुझे लगा कॉलेज की दुश्मनी की वजह से तू मेरी मदद नहीं करेगा। है, कुछ भी बोलता है, दोस्त हूँ तेरा, जान भले ना दे सकूं, पार्टनरशिप तो दे सकता हूँ। जा मजे कर। थैंक्स यार। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आया? सॉरी सर, मैं ब्रेक जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? ब्रेक जाम लेने गया था, ट्रैफिक जाम में फंस गया। क्या परम, सुबह के 10 बजे तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे? जिंदगी कैसे पलटी खाती है। पहले मेरे पास भी बहुत सारे नौकर थे, आज मैं तेरा नौकर बनकर रह गया हूँ। इसमें रोने की क्या बात है, हम गरीब हैं लेकिन फिर भी कंपनी ने महंगे कपड़े दिए हैं, एक फ्री सुपर कार दी है, शादी में फॉरेन व्हिस्की मिलेगी और मेहंदी में डिस्को जॉकी होगा। रियली I like your excitement. देख, कल जेब में 200 रुपए थे और आज जेब में 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अगला कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का होगा, उसके बाद 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यार। 12.5 उसके, 12.5 अपने।
अब उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करनी है? क्या बोल रहा है यार? हम खुद अपनी कंपनी बनाएंगे। What are you talking? Business! एक साल में 2-3 करोड़ से करोड़ तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद 100 करोड़ का अपना पब्लिकेशन निकालेंगे, हर सिटी में हमारा ऑफिस होगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लोकेशन आ गई। दिस इज समीरा। हाउ आर यू? योर आईटी कार्ड। परम प्लान कंटिन्यू करो। हां करता हूं यार। कुछ सालों तक अगर हमने यही काम किया तो 100 करोड़। तुम्हें दूसरों की शादी में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी शादी में परफॉर्म करना। शादी तो सारी बर्बादी की जड़ है। जिस लड़की से तुम्हारी सगाई टूटी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पल्लवी कोलासानी। पिला गई तुझे प्यार में पानी? तेरी बारात उसके घर के सामने से निकलनी चाहिए और फिर उसे खिड़की से झांकते हुए देखकर कहना चाहिए, ओह एक अरबपति मेरा पति बनने से रह गया। गंगा जमुना बहनी चाहिए उसकी आंखों से और फिर इतने आंसू निकलने चाहिए कि वहां पर बाढ़ आ जाए। क्या नाम बताया था तूने? कितनी बार बताऊं यार, पल्लवी कोलासानी। मतलब पहले पी आता और उसके बाद के आता है ना? पल्लवी कोलासानी में पी के बाद के पल्लवी कोलासानी। अरे यार एक मिनट रुक। हेलो। अरे यार मेरी जिस लड़की से सगाई हुई थी और उसके बाप ने सगाई तोड़ी थी, ये वही लड़की है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता यार, ये क्या कर दिया तूने? अच्छा तूने बोर्ड देख लिया? अरे यार कहाँ फंसा दिया तूने? मैं नहीं रुकने वाला। 5 लाख चाहिए। ये हैंड ब्रेक क्यों लगाया? मंथ एंड तक तुझे कोई नौकरी देगा क्या? नहीं। तो ये गलत है यार। कॉलेज में 3 साल तक मैं एक लड़की को घास झाड़ पत्ते डालता रहा और तूने क्या कहा? फील माय लव। उसने वो ऐसा फील किया कि मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, थिएटर में कोने वाली सीट पकड़कर फिल्म देखने गया और इंटरवल में मुझसे पॉपकॉर्न मंगवाया। वो गलत नहीं था? मुझे लगा तू सब भूल गया यार। इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। रिवेंज इज रिवेंज। कल जब उसका पति उसको मंगलसूत्र पहनाएगा तू पीछे खड़े होकर फूल लगाएगा। तूने तो मुझे सचमुच रुला ही दिया पगले। इस लड़के की शादी है? इतना डेकोरेशन इस लड़के के लिए? तेरी शादी होगी कि नहीं पता नहीं, फिलहाल उसकी शादी में हमें भांगड़ा करना है, यही मतलब है ना? मैं तो परम तेरी तो। अरे अब चुपचाप मेरी बात सुनो। लड़के के सर पे चांद होगा, बड़ी तोंद होगी, वालकेश्वर में फ्लैट होगा, बॉडी पर फैट होगा और यही फैक्ट है, नोट कर लेना। ये कौन बीच पे टपका? ये दूल्हा है क्या? लगता तो है। ये साला तो तुझसे भी ज्यादा चिकना है। ओके यहाँ पर अच्छा लगेगा। माइंड यू आई डोंट वांट एनी ओल्ड। मैं काटूंगा। तूने तो कहा था दूल्हा टकला और मोटा होगा। गर्दन छोड़ दे यार, बहुत दर्द हो रहा है। मुंह मत खोल, मुंह मत। बात तो सुन। देखो भैया, माना शाहरुख हैंडसम है लेकिन काजोल के दिल में अजय देवगन है, वैसे पल्लवी के दिल में तो सेट है यार। वो तो पूछना चाहती थी कब आए और एक्साइटमेंट में पूछ बैठी क्यों आए। थैंक यू। क्या? वो क्या है, तुम्हें यहाँ इस तरह देख के मेरे दोस्त को झटका लगा है ना? एक्चुअली मैं योगेश से बहुत प्यार करती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो बॉस? अरे बाबा रे, निकल ले परम। हाँ बात तो हो गई, उसने बोला कि बाद में। एक मिनट, मैं बाद में फोन करता। क्या है? कटिंग सर। किस लिए? क्यों? क्लीनिंग सर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? शादी देखने आए हो या शादी तुड़वाने? अरेंजमेंट करने सर। बताओ कितने पैसे लोगे यहाँ से जाने के लिए? 5 लाख उसके, 5 लाख मेरे। इसको कितने पैसे मिलने वाले, मुझे क्या? जाओ मैं किसी और को बुला लूंगा अरेंजमेंट के लिए। ठीक। अरे किधर जा रहे हो? गेट उधर है। जानता हूँ लेकिन दूल्हा तो इस तरफ है ना सर। हाँ तो एक्चुअली मेरे डैडी के जाने के बाद आपने सगाई तोड़ दी क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई और फिर पल्लवी को लेके आप चले गए। अगर मैंने योगेश को पूरी बात सच नहीं बताई तो ये चीटिंग होगी ना सर? मतलब क्या कह रहे हो? जीजा जी, मतलब मजाक में आजकल लोग मुझे HMT कहने लगे। सच में? हाँ मेरी आदतें कुछ ऐसी हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं। क्यों ना हो सर, आप टाइम के इतने पंक्चुअल जो हैं, लोग आपको देखकर घड़ी मिलाते हैं। अरे अरे 10 बज गए, जूस पीने का टाइम हो गया। चलो चले।
ये विजय और उसके रूल्स रूल्स फॉलो करने चाहिए। रुको, योगेश को बताऊं या नहीं? नहीं। तो फिर आप अपना काम करो और मुझे चुपचाप बिना रोक टोक अपना काम करने दो अंकल। अगर लड़कियां सिगरेट पिए या शराब पिए तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस। अगर एटीट्यूड दिखाते हुए कोई लड़की सिगरेट और दारू पिए तो कबाड़ा पक्का है। छोड़ यार अपने को क्या? क्यों, सिगरेट पी तो नहीं? नहीं यार, नहीं पी। लिपस्टिक का निशान तो नहीं है, मतलब नहीं पी। बोला था पास में सुंदर लड़की बैठी और तुम खुलेआम पी रहे हो। अगर कोई आदमी होता तो वो भी मेरे साथ पीता, मेरे पैसे खर्च होते। तुम बैठी हो तो मेरे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कंपनी भी मिल रही है, टोटल पैसा वसूल। सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना। बेवड़ी समीरा। सर क्या सर? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं। ओके सर। लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया। टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है। दवा नहीं है, ड्रग्स। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है। ओहो, ये चाल है वाकई कमाल। असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी। ये तो हंस पड़ी। अब आगे अजीब हरकतें करेगी। हाँ, मुंह तो बनाया। ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं।